खगड़िया में सुशासन बाबू के नाम से मशहूर बिहार के के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज में अपराध का का ग्राफ ग्राफ नीचे उतर ही नहीं रहा पिछले कुछ दिनों से अपराध का काफी तेजी से आगे बढ़ा है जिसके चलते लोगों में काफी खौफ देखा जा रहा है बिहार में तेजी से बढ़ते अपराध के बीच नीतीश सरकार की सुशासन की पोल खुलती नजर आ रही है वही मुख्यतः दो से राज्य की कमान संभाल रहे नीतीश सरकार ने शुरुआती वक्त में बेहतर काम किया विकास के साथ साथ क्राइम भी कंट्रोल हुआ नतीजातन उन्हें सुशासन बाबू का तमगा मिला खगड़िया जिले में इस महीने दर्जनों घटनाएं घटित हुई है बीती रात पसराहा थाना अंतर्गत मुखिया प्रतिनिधि पर अपराधियों द्वारा ताबड़तोड़ फायरिंग की गई बाल बल बच्चे मुखिया प्रतिनिधि जिनका इलाज सदर अस्पताल खगड़िया में चल रहा है फिर वहीं महेशखूर थाना अंतर्गत मुखिया संघ के अध्यक्ष के घर पर अपराधियों द्वारा दर्जनों गोलियां चलाई गई फिर चित्रगुप्त नगर थाना अंतर्गत कोसी कॉलेज के कलर के घर लाखों की चोरी बैंक से रुपया निकालकर लौट रहे खाताधारी से लूट की घटना को अंजाम दिया गया अलोली थाना अंतर्गत सो रहे किसानों को अपराधियों ने गोली मार दी जिसके बाद घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई वहीं बेलदोर थाना अंतर्गत निजी चैनल के पत्रकार द्वारा न्यूज संकलन कर लौटते वक्त अपराधियों ने पत्रकार पर जानलेवा हमला किया बाल बाल बचे पत्रकार वही मुफ्सिल थाना क्षेत्र में शराब कारोबारियों की लगती है मंडी क्या वाकई लौट रहा है जंगलराज हालांकि बदलते वक्त के साथ साथ मौजूदा समय में लोग डर रहे हैं कि कहीं फिर से पुराना वक्त न लौट आए बिहार में लगातार बढ़ रही लूट हत्या और दुष्कर्म जैसे मामलों के बाद लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या वाकई में अपराधियों में कानून का खौफ नहीं रहा